हमारे पास एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि संयुग्मी फोकस यानी कि कंजुगेट फोकस क्या है। कंजुगेट फोकस किसे कहते हैं? ये सवाल है, एमपी बोर्ड होता है इसका, लेकिन ये प्रश्न लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल कहाँ का? एमपी बोर्ड 2023 का है, सब्जेक्ट में ये दिए जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न लगभग लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। केवल ये क्या होता है, संयुग्मी फोकस, कंजुगेट फोकस। तो किसी भी दर्पण, यहाँ पर पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम लोग पूरी भाषा लिखेंगे। कोई भी दर्पण हो या फिर लेंस हो, हमने एक दर्पण और एक लेंस बनाया, एक दर्पण और एक लेंस, ठीक है। तो इस दर्पण में अगर हम लोग, इस दर्पण में अगर हम, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, तो मान लिया जाए कि अगर वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र के बाहर अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ये चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा तो ये फिलहाल जान लीजिए कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक बिंदु पर बनता है। तो अब यहीं से हमारा संयुग्मी फोकस का परिभाषा परिभाषित होता है, ध्यान से समझिए। इसी प्रकार से सेम कहानी लेंस का भी, जरा सा लेंस के बारे में भी बातचीत कर लिया जाए। लेंस में भी अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर वस्तु ए बी को इस तरफ फोकस एफ डैश सी डैश मान लेते, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ कहाँ पे? वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा, दूसरी तरफ वक्रता केंद्र के बाहर बन जाएगा ए डैश बी डैश। ओहो, ऊपर नहीं नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, वास्तविक और उल्टा होना चाहिए ना। हाँ, ये ए डैश बी डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा जो कि वस्तु से बड़ा होगा। अब दोनों ही स्थिति में आपको दो पॉइंट पर ध्यान देना है, दोनों ही स्थिति में आपको दो बिंदु पर ध्यान लगाना है, जैसे कि ये बिंदु बी और ये दूसरा बिंदु बी डैश, यानी दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसी दो बिंदु हैं। ध्यान से सुनिएगा, दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदु हैं जिसमें से एक के ऊपर वस्तु को रखने पर दूसरे के ऊपर उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। फिर से सुना जाए, लेंस में भी दो बिंदु, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित ये पहला बिंदु बिंदु बी और दूसरा बिंदु बिंदु बी डैश। तो ध्यान से सुनिएगा, लेंस में प्रधान अक्ष पर स्थित, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदुएं जिनमें से एक के ऊपर अगर वस्तु को रखा जाए तो दूसरे के ऊपर उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग संयुग्मी फोकस कहते हैं, यानी कंजुगेट फोकस कहते हैं। अब परिभाषा लिखा जाए, परिभाषा आप कैसे लिखोगे? परिभाषा जरा सा लिखते हैं, फिर आपको याद हो जाएगा बड़ी आराम से। अब परिभाषा लिखते हैं, आपको बड़े आराम से याद होगा। डेफिनेशन क्या होगा? परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा बड़ी आसानी से याद होगा। दर्पण या लेंस दोनों में ये परिभाषित हो सकता है, दर्पण या लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित, दर्पण या लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदुएं, पर स्थित ऐसी दो बिंदुएं, ऐसी दो बिंदुएं जिनमें से एक पर वस्तु को रखने पर क्या होगा? आपको तो पता ही है, बिंदुएं जिनमें से एक पर वस्तु को रखने पर दूसरे, साथ में परिभाषा याद करते जाइएगा, दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वे दोनों बिंदुएं क्या कहलाती हैं? संयुग्मी फोकस कहलाती हैं, संयुग्मी फोकस कहलाती हैं, संयुग्मी फोकस कहलाती हैं। तो ये हुआ परिभाषा। परिभाषा देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप समझने की कोशिश करोगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि दर्पण या लेंस में, ध्यान सुनिएगा, दर्पण या लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदुएं जिनमें से किसी एक पर वस्तु को रखने पर दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वे दोनों बिंदुएं आपस में क्या कहलाती है? संयुग्मी फोकस कहलाती है। तो आज के हमारे क्लास का यही एक सवाल था,
और आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुरू से अंत तक पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।